नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे ही मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपी को लगातार पूछताछ करने में भी जुटी हुई है। मामला इंदौर का एक हीरानगर थाना क्षेत्र का है। हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग के साथ घर के पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। फिलहाल जब पीड़िता ने काफी दिन बीत जाने के बाद जब युवक को शादी करने की बात कही तो युवक शादी करने के बाद से कर गया, जिसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी है और परिजनों के साथ आकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में पड़ोसी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। कल एक धोखाधड़ी का मामला थाना हीरानगर को दर्ज हुआ है, जिसमें फरियादी के क्रेडिट कार्ड से लगभग 1 लाख रुपए डेबिट हो गए हैं, जिसकी सूचना फरियादी के द्वारा थाना हीरानगर पर दी गई, जिस पर से 420 का मामला कायम किया गया है। फरियादी के पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड था, जिसमें से लगभग 1 लाख रुपए उसके रात में तीन दो की रात में डेबिट हो गए। नहीं, फरियादी के द्वारा बताया गया कि कोई भी फोन या मैसेज उसके फोन पर नहीं आया, जिसकी जांच जारी है। इसमें जो है SBI जो क्रेडिट कार्ड है संबंधित बैंक से जानकारी ली जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फरियादी का नाम है अक्षय विश्वकर्मा, निवासी न्यू गोरी नगर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।